विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटिका किस्सा अनार फली का। इसके लेखक और निर्माता हैं राजेश रेड्डी। अनार फली, अनार फली, अनार फली। मेरी समझ में नहीं आता कलीम कि उस मामूली सी कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू आप नहीं जानते अब्बा हुजूर कि अनार फली क्या चीज है। क्या चीज है? उसका रंग, उसका रूप, उसकी अदाएं, उसकी नजाकत, उसका सब कुछ इतना अलग, इतना जादुई है अब्बा हुजूर के। है, हमें ये सब गिनाने की जरूरत नहीं है शहजादे। ये मत भूलो कि कभी हम भी जवान थे, दो चार कनीजों के चक्कर में हम भी पड़े थे, लेकिन इस कदर दीवाने नहीं हो गए थे कि आपकी जरूरतें जिस्मानी नहीं होंगी अब्बा हुजूर, लेकिन मेरा इश्क रूहानी है, रूहानी। दाढ़ी मूछ आए अभी चार दिन हुए नहीं कि रूहानी बातें कर रहा है। रूहानी बातों के लिए कोई उम्र नहीं होती अब्बा हुजूर। अपने बूढ़े बाप से बदज़बानी करते शर्म नहीं आती तुझे? अगर आप बूढ़े हैं और मेरे बाप हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अब्बा हुजूर। कलीम कलीम कलीम, उस कनीज अनार फली के पीछे तुम्हारी दीवानगी देखकर तबीयत तो ये हो रही है कि हम तुम्हें कच्चा चबा जाएं। कच्चा चबाने के लिए तबीयत ही काफी नहीं होती अब्बा हुजूर, उसके लिए मजबूत बत्तीसी की भी जरूरत होती है, और खुदा गवाह है कि आपके दांत जितने भी बचे हैं। बात ना देना तुझे अपनी बत्तीसी पर, मैं एक घूंसे में तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा। ये काम भी आपके बूढ़े हाथों के बस का नहीं है अब्बा हुजूर। और फिर आप तो जानते ही हैं कि मैं रोज चकमक दंत मंजन से दांत साफ करता हूं, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाले। या अल्लाह, तू ही बता अब हम क्या करें। अनार फली से मेरी शादी करवा दीजिए अब्बा हुजूर। नहीं, हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं। नहीं 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 नहीं, 100 बार नहीं। तो फिर बगावत के लिए तैयार हो जाइए अब्बा हुजूर। बगावत? बगावत की धमकी देता है हमें शहंशाह को? क्या इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था तुझे? मैं अभी तेरी अम्मा से शिकायत करता हूं। कल्लू की माँ, कल्लू की माँ। क्या बात है महाबली? देखो देखो कैसी बदज़बानी कर रहा है तुम्हारा सपूत। अजी तुम चुप करो जी। हाँ बेटा बता क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है अम्मी जान, अब्बा ने आज फिर वही राग छेड़ दिया है, अनार फली को भूल जा। तो भूल क्यों नहीं जाता बेटे? ये तुम क्या कह रही हो अम्मी जान, अनार फली को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ? नहीं नहीं, अपनी अम्मी को भूल जा, अपने अब्बा को भूल जा। ओफो, मेरी तो समझ में नहीं आता उस कलमूही कनीज में ऐसा क्या मिलता है तुझे जो तू। अम्मी जान, मेरी अनारकली को कलमूही मत कहिए, उसका रंग तो बहुत गोरा है और उसके दांत भी गोरे हैं, बिल्कुल दूध जैसे। ये सल्तनत एक मामूली कनीज के दांतों की मोहताज नहीं है बदतमीज। तो फिर सुन लीजिए बादशाह आलम, मेरी और अनार फली की मोहब्बत भी आपकी सल्तनत की मोहताज नहीं है। ये तो क्या कह रहा है बेटे? ये एक मामूली कनीज एक नौकरानी के सफेद दांतों की चमक के पीछे शाही तख्त और ताज को ठुकरा देगा? हाँ अम्मी जान, कई कई बदबूदार बत्तीसी वाली रानियों के बीच जीने के बजाय एक खुशबूदार कनीज के आगोश में मरना पसंद करूंगा। अच्छा अच्छा, निकल जा यहाँ से, तेरी किस्मत में एक नौकरानी की बाहों में मरना ही लिखा है, तो जा मर, कोई नहीं रोकेगा तुझे। महाबली। ठीक है अब्बा हुजूर, अब हमारी मुलाकात जंग के मैदान में होगी।
चलता हूँ अम्मी जान। बेटा कली, ये आपने क्या किया महाबली, ये आपने क्या किया? ओहो, घबराओ मत कल्लू की माँ, थोड़ी देर में भटक भटका कर वापस आ जाएगा। वो अब कभी नहीं आएगा महाबली, वो अब कभी नहीं आएगा, वो बड़ा जिद्दी है। चार दिन शाही जिंदगी से दूर रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन वो तो जंग की धमकी देकर गया है महाबली। हम उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे कल्लू की माँ। सुनिए जी, इस मामले में आप जरा खीरबल से सलाह क्यों नहीं ले लेते? खीरबल जी? वो मस्खरा? अरे उसे हमने हंसने हंसाने के लिए रखा है, सलाह देने के लिए नहीं। लेकिन मुझे वो आदमी बहुत काबिल नजर आता है। तो मैं तो मेरे अलावा हर आदमी काबिल नजर आता है जो? आप तो बुरा मान गए महाबली। तो तुम बात ही ऐसी करती हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी महाबली कि एक बार उससे पूछ लेते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा तुम अंदर जाकर रो जाओ। अच्छा ठीक है। अरे कोई है, खीरबल को बुलाओ। सलाम आलीजा, सलाम आलीजा, मैं तो बस आ ही रहा था। आप बात क्या है अनुपना, आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ खीरबल, बहुत परेशान हैं हम। हुजूर, इस दास के रहते आप परेशान कैसे रह सकते हैं अनुपना। अभी लीजिए, आपको एकदम तरोताजा चुटकुला सुनाता हूँ। हमने तुम्हें चुटकुला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है खीरबल। तो फिर इस दास को किस लिए बुलाया है हुजूर, कुछ हुक्म कीजिए। तुम्हें पता है कि कलीम घर छोड़कर भाग गया है। कहाँ? बंबई हुजूर? नहीं खीरबल, वो नालायक यहीं है इसी शहर में, लेकिन कहीं और। हुजूर, अनारफली के घर तो नहीं? तुम जानते हो उसे? उसे कौन नहीं जानता हुजूर, इश्क की शौक रखने वाला हर इंसान। हर तो क्या तुम भी? नहीं अलम्पना, वो मैं तो सिर्फ खोज खबर रखता हूँ। लोग तो उसके हुस्न, खास तौर से उसके दांतों की चमक की दीवाने हैं हुजूर। अच्छा, ऐसी चमक है उसके दांतों की? जी हाँ आलीजा, आप देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे हुजूर। हम उस चमक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख देंगे। उसके दांतों की इसी चमक ने कलीम को बगावत पर आमादा कर दिया है खीरबल। अच्छा, तब तो काम बहुत आसान है आलीजा। वो कैसे हुजूर? बस आप अनार फली से कह दीजिए कि, बल्कि हुक्म कर दीजिए कि वो चकमक दंत मंजन से दांत साफ करना छोड़ दे। बस उसके दांत खराब हुए, मुंह से बदबू आई और अपने शहजादे हुजूर घर वापस। वाह 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 खीरबल, वाह 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 वाह, क्या रास्ता बताया है। हम अभी जाते हैं उस अनार फली के पास। हुजूर मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, हम अकेले ही जाएंगे। हाँ जो अनार फली। बादशाह सलामत, आप? हाँ अनार फली, हम यानी कि हम शहंशाह, हम खुद चलकर आए हैं तुम्हारे पास। आपने क्यों तकलीफ की बादशाह सलामत, आपने हुक्म किया होता ये कनीज खुद हाजिर हो जाती। ये नाटक बाजी छोड़ो अनार फली, सीधे सीधे काम की बात करो। काम की बात? इस बुढ़ापे में आपके मुंह से इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। हमें गलत मत समझो अनार फली, हम अपने लिए नहीं शहजादे कलीम के बारे में बात करने आए हैं। ओह, तो आप हमें खरीदने आए हैं? नहीं अनारफली, हम तुम्हें खरीदने नहीं, अपने आप को बेचने आए हैं। एक बूढ़ा बाप तुम्हारे कदमों में पूरी सल्तनत को निछावर करने आया है अनारफली। नहीं आलमपना, मैं अपनी मोहब्बत का सौदा नहीं कर सकती। तो सुन, कान खोल कर सुन ले, कलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम तुझे जीने नहीं देंगे।
इतना ही नहीं, अपनी सल्तनत की शान के लिए हम अपने हाथों से अपने बेटे को खचाक भी कर सकते हैं। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए जहांपनाह। शहजादे पर रहम का एक ही रास्ता है अनारफली। वो क्या आलमपना? तुम चकमक दंत मंजन से दांत साफ करना बंद कर दो। जी जी हाँ। लेकिन मेरे दांतों का क्या होगा जहांपनाह? अपने आशिक की जान बचाने के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती तुम? ठीक है, प्यारे कलीम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी मुझे मंजूर है। लीजिए, ये रहा मेरा चकमक का छोटा पैकेट। ये सल्तनत तुम्हारी इस कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकेगी अनारफली, कभी नहीं भूल सकेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा खुदा हाफिज। अनारफली, अनार। मैं यहाँ हूँ मेरे सरकार। अरे ये क्या, आज इस तरह दूर दूर और मुंह छिपाए क्यों खड़ी हो? तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ, शाही तख्त ताज भी। जी तुमने अच्छा नहीं किया कलीम। अन्नू। हाँ कल्लू, मैं अब पहली जैसी अनार फली नहीं रह गई हूँ। तुम तो मुझे अब भी वैसी ही लगती हो, वही रूप, वही रंग, वही अदाएं। अब आ भी जाओ अनार फली। मुझे मजबूर मत करो कली। मजबूरी की ये दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिरा दो अनार फली, आ जाओ। उफ, तुम समझते क्यों नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आने लायक नहीं हूँ कली। क्या कोई और चक्कर चला लिया है तुमने? अपनी अनार फली पर भरोसा रखो कली। तो फिर चली आओ अनार फली, अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरी बाहों में सिमट आओ अनार फली, आ जाओ, आ जाओ। या खुदा, ये क्या, तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम बोलते क्यों नहीं? ये बदबू मेरी जान ले लेगी, मेरी जान ले लेगी। मुझे 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 चक्कर आ रहा है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने महल में हो शहजादे। मैं यहाँ कैसे आया? कैसे आ गया? अरे इस दुनिया में जैसे सब आते हैं वैसे ही तुम भी आए हो बेटे। हाँ बहुजूर, अनार फली के हुस्न का जादू अब उतर चुका है। अब मैं होश में आ गया हूँ, अब मैं उस बदमुही अनार फली का मुंह तक नहीं देखूंगा। बहुत अच्छे शहजादे, बहुत अच्छे। तो हम जुलेखा से तुम्हारी बात पक्की कर दें? आप जहां चाहें, जिससे चाहें मेरी बात पक्की कर दीजिए अब्बा हुजूर। बस बस एक गुजारिश है आपसे कि उसके दांत। हम खूब समझते हैं शहजादे, इसीलिए तो हमने अपनी होने वाली बहू के लिए एक तोहफा ला कर रखा है। तोहफा? हाँ, ये देखो, चकमक दंत मंजन। अब्बा मुबारक हो आलमपनाह, मुबारक हो। आओ आओ खीर भल, आओ, मुबारकबाद तो हमें देनी है तुम्हें। हुजूर बस आप तो यूं ही मांगो खीर भल, क्या मांगते हो? हम आज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। हुजूर इनाम? मुझे? हाँ। मांगो हुजूर। हाँ हाँ, मांगो खीर भल। हुजूर मेरी शादी अनार फली से करवा दीजिए हुजूर। क्या? किस्सा अनारफली का अभी आपने ये नाटिका सुनी। इसके लेखक और निर्माता थे राजेश रेड्डी। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल अब समाप्त होता है।